खूबसूरत है ना डाउकी। हम डाउकी में ही घूम रहे हैं, इतना खूबसूरत। जाते वक्त यहाँ से हीरे वाला टोल लेना पड़ेगा, पता नहीं कितना बोलते हैं। ये भैया जी मछली बंसी मार रहे हैं। भैया मछली मिला? सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। आप लोग कैसे हो? आई होप करते हैं आपको ठीक ही होगा। तो आज आपका दीदी कहाँ जा रहा है? आज मतलब बहन का आज हो गया, मुझसे हो गया था मेडिकल, जाके टेस्ट पूरा करा के आ गया। तो अभी ऐसे बैठा हुआ था तो सोच रहे कि क्यों ना आज इधर उधर थोड़ा घूमने जाएगा बोलते ना, तो अभी निकल रहे हैं। ये बहन सिस्टर कितना सुंदर लग रहा है दिखा तो, वाह नहीं लग रहा है ना बीमारी? बीमारी नहीं लग रही, अंदर से बहुत बीमारी। ऐसे ही करना है ना लाइफ, जितना भी दुख तकलीफ होने से भी आदमी को दिखाना जरूरी नहीं है, नहीं दिखाना है वो तो आदमी हंसेगा। इसलिए जितना हो दुख हो परेशानी हो जो भी हो स्माइल हमेशा रहना है। तो अभी हम लोग पूरा रेडी होके बैठा हुआ है, आपका दीदी पूरा चमक रहा है, अभी देख रहा होगा आप लोग तो पूरा चमक के अभी यहाँ से घूमने के लिए निकलेगा। अभी हम लोग टैक्सी बुकिंग किया है आज, पता नहीं 4-5 जगह घुमाएगा 4000 देके। दाउकी जाएगा और एशिया का क्लीनेस्ट विलेज ना वहाँ जाएगा, उसके बाद में जो रूट ब्रिज है ना वहाँ जाएगा, और है एक दो तो जगह तो आप लोग को ले चलेगा दिखाएगा। शिलोंग का आप लोग तो मालूम ही है, शिलोंग का कौन सा इतना मतलब खूबसूरत। सो अभी दोस्तों मेरा बहन हम दोनों निकल रहे हैं, ठंडा है ना थोड़ा, देखो इतना खूबसूरत है ना चारों तरफ सुंदर, पूरा घास पेड़ पैन ट्री का पूरा पेड़। तो अभी यहाँ से हम दोनों धीरे धीरे होके जाएगा, टैक्सी रिजर्व किया था और टैक्सी वाला अभी आ रहा होगा। 10 मिनट लेट हो गया, तो अभी बैठ गया ये बहन भी। तो यहाँ आ गया इतना खूबसूरत जगहों में, अब यहाँ से व्यू लेने के लिए वाह पूरा अप होगी ना घूमेगा। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ ठीक है, वही से रुकता ना। तो अभी हम यहाँ से सीधा दाउकी निकलेगा, दाउकी में उसके बाद कहाँ कहाँ घुमाएगा आपको बता दिया भोग ने, तो होगा अभी यहाँ से निकलेगा। हवा भी बहुत आ रहा है, गर्म कपड़ा लेके आया ही नहीं, निकलेगा यहाँ से ना बहुत ठंड है यार, हवा तो बहुत भयंकर है। सूरत जगहों पे आया है आपका दीदी, तो यहाँ में एक व्यू पॉइंट है तो यहाँ तो ऊपर चढ़ के देखेगा कितना सुंदर जगह है, वाह अलग ही जगह है, बहुत अमेजिंग वाला जगह, बहुत ही खूबसूरत है, जितना ही बोलेगा उतना कम है। व्यू पॉइंट यहाँ पे है, व्यू पॉइंट लिखा है ऑलरेडी यहाँ पे पता नहीं, तो आप लोग को लेके चलेगा यहाँ व्यू पॉइंट दिखाने के लिए, टिकट लेना पड़ेगा। चलो कितना है, एक आदमी का 20, तो यहाँ पे देखो एडल्ट 20 पर हेड, चिल्ड्रेन 10 रुपीस यहाँ पे, तो यहाँ पे करना पड़ेगा ना। चलो पहले पे कर लेगा दो आदमी ना, तो अभी पे कर लिया, अभी पे करने के बाद में साथों साथ में यहाँ एंट्री और यहाँ पे कैमरा कुछ मोबाइल हम घुसा सकते हैं, वहाँ अलग ही नजारे हैं। वाव ऐसे हवा आ रहे हैं, इतना सुंदर इतना ठंड वाला जगह, इतना मजा सच में अलग ही ये है, लाजवाब। क्लाउडी पूरा क्लियर व्यू, वाओ पूरा बड़ा बड़ा चट्टाने बड़ा बड़ा, देखो यहाँ से अगर गिर जाएगा ना लास्ट तक नहीं मिलेगा। पूरा कादर कुमार ये दिखाई नहीं दे रहे, खूबसूरत जगह बहुत ही अमेजिंग, क्या ही बोलेगा, लफ से नहीं है बोलने के लिए, वर्ड ही नहीं है। चलो अभी धीरे धीरे निकलेगा,
तो अभी बहुत जगह घूमना है, एक्सप्लोर करना है आज का दिन का अंदर में। तो जितना हो सके कवर करने के लिए, कवर तो नहीं होगा एक दिन में, फिर भी जितना मतलब आज वो जितना घुमा सकेगा उतना घूमेगा आपका दीदी। चलो अभी निकलेगा धीरे धीरे। इतना सुंदर है क्या ये बोलेगा, बहुत सुंदर है सच में। सो दोस्तों, इतना हम लोग जाने खाने के बाद फाइनली यहाँ ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है। तो ये है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। बहुत ही यहाँ से पूरा प्लेन जितना देख रहे हैं वो पूरा बांग्लादेश। तो यहाँ से होके जा रहे हैं और टाइम कितना, 1-2 घंटा जैसे तो ऑलमोस्ट हो गया होगा। तो अभी पहुँच गया, ठीक है। तो अभी पहुंच गया, यहाँ से सीधा हम नीचे जाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ से सीधा बोटिंग के लिए। पानी लेकिन गंदा है ना, पानी गंदा है ना, देखो पानी पूरा गंदा है। तो यहाँ से हम लोग को ये पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग एक बोटिंग के लिए पकड़ना पड़ेगा, उसका बाद में यहाँ से सीधा हम लोग नीचे जाएगा बोटिंग करने के लिए। यहाँ से जाते हैं ना। देखो यहाँ में बोटिंग कौन आप ले जाएगा? वाह हाँ, 1 घंटा कितना होगा? 1 घंटा का कितना रुपया, कितना अमाउंट? ओ टाइमिंग सिस्टम ना। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पूछ लेगा कितना 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 टाइमिंग का ना, कितना कितना घंटा का। ऑलमोस्ट इसमें 1 आवर और 45 मिनट ठीक है कर सकते हो। घंटा में तो आपको पूरा कंप्लीट आ गया रॉक आइलैंड में। हाँ आइलैंड आपको उतर लीजिए, फोटो वगैरह के लिए वीडियो अपलोड कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो पूरा यहाँ पे भीड़ है, हम भी यहाँ से ले लेगा। तो 1.5 घंटा लेने में बेटर है। वो आप इंक्रीज वहाँ भी कर सकते हैं, आधा घंटा करके आ सकते हैं। 1 घंटा का कितना है बोला है भैया, कितना 1 घंटा का? 1,000 1,200 बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है ना, क्या ही करेगा। फिर भी तो होगा दोस्तों, यहाँ से टिकट ले लेगा पूरा आइलैंड भी दिखा मतलब दिखाएगा वो। ये है हमारा आज का कैप्टन ना ले जाने के बोट कैप्टन बोटमैन। तो ये है टिकट ले लिया, 1 घंटा का 1,200 बोल रहे ना। तो 1 घंटा में पूरा आइलैंड तक घुमा के लेके आएगा बोल के, तो इसलिए 1 घंटा का, 2 घंटा भी जा सकते हैं आप जितना मर्जी है ना। तो अभी यहाँ से धीरे होके जा रहे हैं, अभी उस साइड तो पूरा बांग्लादेश ही आप देख सकते हैं। बोट ऑलरेडी रेडी होके, नहीं 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 मिल जाएगा सच में, नहीं नहीं बाद में देख देगा ठीक। नहीं 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 सैंपल देखिए, 2 आदमी को फोटो देखिए, अभी से बोट पे फोटो खींचेगा, आने के बाद खींचेगा उधर, जो पसंद का वही लेगा, 30 रुपीज का 1 फोटो। कौन सा वाला बोट जाना पड़ा? यहाँ पे गर्मी बहुत भयंकर वाला गर्मी है, पूरा गर्म है ना, चाता लेके नहीं आया, कुछ भी लेके नहीं आया। कौन सा वाला? यहाँ से जाएगा, ठीक है यहाँ से जाना पड़ेगा ना, ठीक है। भयंकर डर लग रहा है ये ना, ये खतरनाक वाला। हाँ
ठीक है। खतरनाक वाला सीन हो गया। नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो यहाँ इतना खतरनाक वाला गर्मी, लेकिन पता नहीं आज बोटिंग फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस कैसे रहेगा। कुछ भी आएगा नहीं, जैसा अभी निकल रहे हैं। ये खूबसूरत इस साइड हमारा पड़ोसी देश, यहाँ भी बोट आया है टूरिस्ट लोग। जैसे हम लोग घूमने आया है, घर से निकला है, लॉज से निकला है, वैसे ही यहाँ पे पूरा टूरिस्ट लोग पूरा दुनिया भर का आया है। तो ये गर्मी में आज आपका दीदी सोल या कुछ छाता साता कुछ भी लेके नहीं आया, बहुत ही गर्मी सच में। और बाकी दिन में तो ये बहुत ही पानी क्लीन होता है। अभी तो बारिश का उस दिन दो तीन दिन बारिश आया था बोला ना, तो इसलिए पानी क्लीन नहीं हो रहा, क्लीन नहीं है। तो ये ब्रिज देख रहे हैं ना, ये जो ये है हमारा जो पड़ोसी देश को कनेक्ट करता है, ये वाला ब्रिज बांग्लादेश और इंडिया को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है ये। तो देखो ऐसे है पूरा खूबसूरत एकदम, क्या ही बोलेगा, मतलब इतना, मतलब जितना बोलेगा उतना कम है। हम दीदी बार बार बोल रहे हैं, तो बहुत ही सच में बहुत लाजवाब है, बहुत मज़ा है जगह। पूरा कुदरत ने पता नहीं क्या ही बना दिया, इतना मज़ा से बनाया। तो ये यहाँ में देखो आंटी जी बैठा हुआ है, और वहाँ पे पता नहीं क्या कैरी करके ले जा रहा है, कुछ पता नहीं। तो आगे जाके हम लोग को आइलैंड दिखाएगा बोला है ना भैया, आइलैंड तक ना, ओ आगे में आइलैंड आइलैंड दिखाएगा बोला है। एक घंटा पूरा घुमाएगा, उसका बाद में पता नहीं। वाओ इतना मजा जगह, चट्टाने बड़ा बड़ा चट्टाने, वाओ वाओ इतना मजा, इतना बड़ा चट्टाने पत्थर पूरा, इतना खूबसूरत है ना। दाउकी, हम दाउकी में घूम रहे हैं अभी, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा बड़ा पत्थर देखने को मिल रहा है। वाह, ओह माय गॉड, वाह इतना मजा से गाना गा रहे हैं, इसलिए आपका दीदी बोल रहे थे ओह माय गॉड। तो पता नहीं ये आगे भैया क्या, ये भैया जी मछली बंची मार रहे हैं। भैया मछली मिला, वाव मछली मिला, हाँ वाव वाव मछली मिला, ये आज दिन अच्छा जा रहा है ना भैया का। यहाँ आपका दीदी मतलब रुक गया, मतलब रुक गया मिस, बोट भैया नहीं रुका गया। तो यहाँ पे 10-15 मिनट ब्रेक मतलब करते है बोला ना, ब्रेक देते है बोला, यहाँ मैं आराम से बैठ के खा सकता है पी सकता है ऐसे बोला। तो इतना गर्म भी बहुत है, क्या है यहाँ क्लोज। तो यहाँ पे क्या चीज होगा, तत्तुस ए कन हो जाए, कुछ खा लेगा, बहुत ही भूख लग रहा है। 15 मिनट जैसे पता नहीं, बहन वॉशरूम ढूंढ रहे हैं, थक गया सच में दोस्तों इतना गर्मी में। देखो ये ब्रेकफास्ट भी हम ये बहन हम दोनों अच्छे से नहीं खाया, ये देखो क्या नूडल्स खा रहा है अभी ये गर्मी में। हाँ हाँ तो बहन भी खा रहे हैं और साथ में पेप्सी, वाह बहुत गर्मी है। तो जाते वक्त यहाँ से ये वाला फोन लेना पड़ेगा, पता नहीं कितना बोलते हैं, गर्मी बहुत है ना, इस कारण हम दोनों कुछ चाहता कुछ लेके नहीं आया।
तो उसने ये वाला देख के जाना पड़ेगा। तो देखिए ये लिए, बहुत गर्मी है ना, तो यहाँ से सीधा जाएगा बहन। तो अभी ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरा यहाँ में स्पेस इतना नहीं है ना, इसलिए ब्लॉगिंग अभी का यहाँ पे रख देना पड़ेगा। तो देखो इतना खूबसूरत जगह है ना, तो अभी हमको यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू नहीं करके अभी हमको नया ब्लॉगिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और मेरा मोबाइल में भी स्पेस नहीं है। तो दोस्तों अभी यहाँ से सीधा जाएगा ब्लॉगिंग नहीं करते हुए, तो अभी यहाँ पे एंड करेगा मेरा ब्लॉग। आप कंटिन्यू देखते रहना, कल परसों मेरा यहाँ का ही कंटिन्यू आ जाएगा। तो होगा दोस्तों वो सब लोग अच्छे से रहना। बाय बाय सभी को।